नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डनिंग एंड फार्मिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार अनार की कटिंग सक्सेसफुली हम लगा सकते हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, ये हमने 3 अनार कटिंग ले ली हैं और ये सेमी हार्डबोर्ड कटिंग है। और जब भी आप कटिंग लें, जितनी पेंसिल की मोटाई होती है उस मोटाई की आप कटिंग लें। कटिंग लेने के बाद उसकी बॉटम में आप 45 डिग्री का कट मार दें। इन सभी कटिंग को हम एक रूटिंग हार्मोन्स पाउडर की मदद से लगाएंगे। हम रूटिंग हार्मोन्स पाउडर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो कटिंग में रूट्स हैं वो हमको जल्दी मिल जाती हैं। रूटिंग हार्मोन्स लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, सबसे पहले आप कटिंग को पानी में डिप कर लें और डिप करने के बाद उसमें आप रूटिंग हार्मोन्स पाउडर लगा लें। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन्स पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप शहद का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कटिंग डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इसमें भी आपको जो रिज़ल्ट है अच्छा मिलता है। अनार की कटिंग या किसी भी प्रकार की कटिंग लगाने का सबसे अच्छा समय बरसात का होता है। आप इसको जून से जुलाई में कटिंग को लगा सकते हैं, इसमें जो आपको रिज़ल्ट है आपको 100% मिलता है। कटिंग लगाने के लिए जो हम मिट्टी यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास 50% रेत है और 50% मिट्टी, दोनों को मिक्स करके हमने इस पॉट में भर लिया है। और जब भी आप कटिंग लगाएं तो सबसे पहले आप मिट्टी में होल बना लें और होल बनाने के बाद उस कटिंग को आप लगाएं। अगर आप कटिंग को डायरेक्ट इस मिट्टी में लगाएंगे तो जो आपका रूटिंग हार्मोन्स पाउडर है वो कटिंग से निकल जाएगा और आपकी जो रूट्स हैं जल्दी बन के तैयार नहीं होंगी। सभी कटिंग लगाने के बाद इस पॉट को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। और आप एक बात ध्यान दें, इन कटिंग को आप बार बार हिलाएं ना, डिस्टर्ब ना करें। अगर इनको आप बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो जो आपकी कटिंग है वो सक्सेस नहीं होंगी। इस पॉट में आप पानी रेगुलर देते रहें और पर आप ध्यान दें, इसको आप ओवर वाटरिंग ना करें। तो चलिए, इसका हम वेट करते हैं और देखते हैं कि ये जो कटिंग है कितने दिन में ग्रो होती हैं। दोस्तों, लगभग 7 दिन हो चुके हैं इन कटिंग को लगाए हुए और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इस कटिंग में नई नई पत्ती आना शुरू हो चुकी हैं। अनार की कटिंग को लगाए हुए लगभग हमको 30 से 35 दिन हो चुके हैं और अब ये सही समय आ चुका है इन कटिंग को हम इस पॉट से सेपरेट कर दें, जिससे कि जो कटिंग है अपनी फर्दर ग्रोथ ले सकें। चलिए, इस पॉट में से कटिंग को हम निकाल के देखते हैं कि इसकी जो रूट्स हैं किस प्रकार बन के तैयार हुई हैं। अनार को हम बीज से भी उगा सकते हैं, पर जो बीज से उगाए हुए पौधे पर जो फल हैं लगभग हमको 7 से 8 साल में उसमें फल मिलते हैं। अगर आप कटिंग से या एयरलेयरिंग से अनार के पौधे लगाते हैं तो उसमें जो फल हैं हमको 3 से 4 साल में मिल सकते हैं। अगर आपको देखना हो कि अनार को हम बीज से किस प्रकार लगाएं या अनार पर हम किस प्रकार एयरलेयरिंग करें, तो उन वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। पॉट्स में से हमने कटिंग को निकाल लिया है और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, जो कटिंग की रूट्स हैं बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से बन के तैयार हो चुकी हैं। और लगभग इस पॉट में हमने 3 कटिंग लगाई थी और तीनों कटिंग सक्सेस हो चुकी हैं। कटिंग से तैयार किए हुए अनार की विशेषता ये होती है, जिस प्रकार इस मदर प्लांट में जो फल लगते हैं उसी प्रकार जो कटिंग से तैयार किए हुए पौधे पर हमको फल मिलते हैं। जब भी आप अनार की कटिंग लगाएं तो एक अच्छी वैरायटी के पौधे से ही कटिंग लेके आप आएँ। इन कटिंग को आप बड़े पॉट्स में लगा सकते हैं, 14 से 18 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार आप अनार की कटिंग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और बहुत ही कम समय पर इस पर अनार पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब